आर्भट न्यूज खबर दानापुर से है। दानापुर में सेना द्वारा जबरन बंद लोदीपुर चंदमारी रास्ते सहित सभी रास्तों को खुलवाने के लिए छात्रों एवं ग्रामीणों का 48 घंटे का भूख हड़ताल। दानापुर प्रखंड के चंदमारी गांव में डीपीएस स्कूल के पास 11 बजे से शुरू हो गया। बता दें कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एवं लोदीपुर चंदमारी सड़क बचाओ आंदोलन के बैनर तले भूख हड़ताल शुरू हो गया। भूख हड़ताल पर AISF के राष्ट्रीय सचिव सुशील कुमार, राज्य परिषद सदस्य कुमार वैभव, मनीष कुमार, सोनू कुमार, धीरेन्द्र कुमार पप्पू शामिल हुए। अपनी मांगों से संबंधित बैनर एवं पोस्टर के साथ नारे लगा रहे थे। हमारा सड़क हमारा अधिकार, लड़कर लेंगे अपना अधिकार। लोदीपुर चंदमारी सहित सभी बंद रास्ते को खोलना होगा। रास्ता बंद होने से हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई छूटी, कौन है जिम्मेदार जवाब दो। कई मरीजों की जान गई, कौन है जिम्मेदार जवाब दो, आदि रोषपूर्ण नारे लगाए गए। भूख हड़ताल को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया। छात्रों एवं गरीबों के भूख हड़ताल के समर्थन में पूर्व DGP अशोक गुप्ता व राजद के नेता भी वहां पहुंचे और इस लड़ाई में पूरी तरह से साथ देने का भरोसा दिलाया है। छात्रों और ग्रामीणों की एकता जिंदाबाद, और इनकलाब जिंदाबाद, विगत 4 महीने से सेना के द्वारा जबरन लोदीपुर चंदमारी रास्ते को बंद कर दिया गया है। रास्ते के बंद होने के बाद 300 मीटर की दूरी को ग्रामीणों को 6-8 किलोमीटर चलने को मजबूर होना पड़ता है। यहाँ बगल में DPS स्कूल है, DPS स्कूल में भी आज परीक्षा थी, उसमें भी विद्यार्थियों को लगभग 8 किलोमीटर चल के आना पड़ा। ऐसा रोज ग्रामीणों को विवश होना पड़ता है। सेना के द्वारा जो रास्ता बंद किया गया है, इस रास्ते को बंद करने की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को पहल करते हुए रास्ते खोलना चाहिए, इसलिए कि हजारों से हजारों विद्यार्थियों की, खासकर लड़कियों की पढ़ाई इस गांव में, अगल बगल के 22 गांवों में छूटने के कगार पर है। कई मरीजों की जान चली गई है, कई किसानों के उनके फसलों के उचित मूल्य नहीं मिल पाए हैं, सब्जियों के उचित नहीं मूल्य मिल पाए हैं, और बहुत दिहाड़ी मजदूरी करने वाले और समय पर वह काम के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। यह अपने आप में हास्यास्पद स्थिति है, शर्मनाक स्थिति है इस देश की सरकार के लिए कि 300 मीटर की दूरी को ग्रामीणों को 6-8 किलोमीटर चलने को विवश होते हैं। और अभी आपको यह भी बताएं कि इस इलाके के जो विधायक और सांसद हैं वह भारतीय जनता पार्टी से हैं और वह लगातार इस मसले पर टाल मटोल का रवैया अपनाए हुए हैं। इस कारण से आज AISF और लोदीपुर चंदमारी सड़क बचाव आंदोलन ने 48 घंटे का भूख हड़ताल का ऐलान किया है। हम लोगों ने शुरू किया आज 11 बजे से। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हम भूख हड़ताल
मात्र हमारा सिंबॉलिक है, यह एक चरणबद्ध आंदोलन का हिस्सा है। सरकार अगर नहीं चेतती है तो आने वाले दिनों में इस मसले को लेकर उग्र आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य और केंद्र की सरकार पर है।